आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लाए हैं आपके लिए, चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का, क्लास 10th का, जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के कुछ एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं और आप मुझे इसके आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है दैट रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद एयर इज़, ये मैग्नीशियम के साथ जो एयर का रिएक्शन होता है वो किस तरह का रिएक्शन होता है आपको बताना है। और एयर में क्या होता है? O2। तो इनडायरेक्टली वे में मैग्नीशियम का O2 से जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है आपको ये बताना है, ठीक है। तो मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ टाइम दे रही हूँ आपको ताकि आप आंसर दे पाए। तो चलिए मैं आंसर बताती हूँ। आंसर है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक क्या रिएक्शन होता है? जिसमें हीट बाहर निकलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर 2 है राइट केमिकल आर व्हाट केमिकल्स आर यूज्ड इन फायर वर्क्स। तो फायर जो वर्क होते हैं उसमें कौन सा केमिकल यूज़ होता है आपको बताना है। यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं बेसिकली और ये तो एक मतलब सारे, ठीक है, ये बताना। चलिए बताइए, कॉपर क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड या ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑल ऑफ एवर्फ, ठीक है। चलिए ये तीनों होते हैं यूज़, इसलिए ऑल ऑफ एवर्फ। नाउ थर्ड है व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर द ऐश फॉर्म इज, तो जो ऐश फॉर्म होता है वो किस कलर का होता है आपको ये बताना है। यहाँ पे ब्लैक, वाइट, येलो, पिंक। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ। तो यहाँ पे जो ऐश फॉर्म होता है वो वाइट कलर का होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर है 4। देखिए कलर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज वाइट, ब्लू, ग्रे या पिंक, आपको बताना है इसमें से आंसर। हालांकि मैं आंसर बता दी थी एक्चुअली जल्दी जल्दी में, पर आपको बताना है। चलिए जल्दी बताइए। सो यहाँ पे आंसर है वाइट, ठीक है। चलिए मैं फ्लो में एक्चुअली मेरे मुँह से निकल गया गलती से, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। If magnesium is gently heated in forms क्या forms होता है अगर वो magnesium को हम heat करते हैं तो क्या form होता है, चलिए बताइए जल्दी। So देखिए ये भी पिछले वाला जो question था उसी से related है। तो ये आपका answer होगा magnesium oxide, क्योंकि Mg plus O2 is equals to क्या, magnesium oxide, MgO2। चलिए हो गया magnesium oxide answer। कितनों ने सही दिया ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर तब क्या होता है आपको बताना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म या लाइम वाटर टर्न मिल्की या तो कलर ऑफ लाइम वाटर डिसअपीयर। तो क्या होता है इसमें से आप मुझे जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, लाइम वाटर टर्न मिल्की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है व्हेन क्रिस्टल ऑफ लिड नाइट्रेट आर हीटेड स्ट्रांगली इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब तब क्या होता है आपको ये बताना है, ठीक है। सो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 1, जो कि है क्रिस्टल्स इमीडिएटली मेल्ट, अ ब्राउन रेसिड्यू इज फॉर्म लेफ्ट, वाइट फिल्म्स अपीयर इन द टेस्ट ट्यूब, अ येलो डेसिड्यूस फॉर्म। तो चलिए मैं आपको इसके लिए भी थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ। तो इसका भी आंसर मैं बता देती हूँ, या तो आप जो वीडियो को पॉज कर भी सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अ ब्राउन रेसिड्यूस लेफ्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दैट कलर ऑफ सॉलिड मैग्नीशियम इज, जो सॉलिड मैग्नीशियम है जब हम बर्न करने जा रहे थे, सॉलिड मैग्नीशियम, ठीक है, रिबन नहीं, सॉलिड मैग्नीशियम का कलर कौन सा होता है, चलिए बताइए जल्दी। सो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं, दैट डार्क ग्रे, सिल्वर ग्रे, ब्लैक, वाइटिश सिल्वर, कौन सा होगा, सिल्वर ग्रे, ठीक है। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नाउ हम 9 नंबर देख लेते हैं, दैट कंसिडर इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया है, इसको आपको बताना है कि इसमें से प्रेसिपिटेट जो फॉर्म हो रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वो कौन सा कलर का है, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ब्राउन या तो वाइट, ठीक है। तो चलिए आप वीडियो पॉज कर लीजिए, अब मैं बता देती हूँ आंसर आपको, दैट इसका कलर है वाइट कलर, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट अब देखते हैं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर टेन में आपको क्या दिया है, दैट इन राइटिंग केमिकल इक्वेशन में जो इंक्लूजन होता है ऑफ स्टेट सिंबल शैल बी वाइल, तो वाइल यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट होना चाहिए, तो जल्दी बताइए. सो इसका होगा आंसर नंबर सी, द इक्वेशन हैज़ बीन बैलेंस्ड. ठीक है, ये होगा. नाउ नेक्स्ट, कंसिडर इक्वेशन. यहाँ पे फिर एक इक्वेशन दे दिया हुआ है, यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो रहा है लेड हाइड्रोक्साइड का, तो वो कौन सा कलर का है आपको ये बताना है. सो यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस दिए हैं, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, वाइट, तो इसका आंसर होगा वाइट. ठीक है, वाइट कलर का जो प्रेसिपिटेट होता है वो फॉर्म होता है इस रिएक्शन में. ठीक है, और ये सब ना प्रेसिपिटेट वाले आपके मतलब प्रेसिपिटेट का कलर पूछ देते हैं आपके एग्जाम में बेसिकली, तो ये आपको ये सब याद कर लेना होगा. ठीक है, और या तो आप बार बार ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते आपको खुद ब खुद भी याद हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दैट ये सब आपको मतलब इक्वेशन दिया है, उसके बाद प्रेसिपिटेट जो होता है वो कौन सा कलर का होता है, जो ये है प्रेसिपिटेट कॉपर हाइड्रोक्साइड, सो ये होता है कौन सा कलर का, जल्दी बताइए, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, वाइट. सो ये होता है ब्लू कलर का. ठीक है, ब्लू कलर का याद रखिएगा ये भी. ठीक है, ये पूछा भी जाता है बहुत बार MCQs में. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पे रहा क्वेश्चन नंबर 13. यहाँ पे एक फिर आपको इक्वेशन दिया हुआ है, आपको इसमें मोल्स पूछा है, मोल्स नीडेड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये आपको बताना है. तो देखिए मोल्स अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा. फिर आप मेरा जो मैं चैप्टर पढ़ाई हूँ उसका मैं लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं एक बार. ठीक है, मैंने डीपली एक्सप्लेन कर दिया है सब कुछ चैप्टर में लाइन बाई लाइन NCERT की बुक से. ठीक है, तो चलिए इसमें से जल्दी से आपको आंसर बताना है. यहाँ पे 1, 2, 3, 4 दिया है लाइन से क्वेश्चन नंबर 13 का, तो यहाँ पे होगा आंसर नंबर डी. ठीक है, 4 होगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14. तो यहाँ पे फिर एक इक्वेशन है, यहाँ पे आपको बताना है दैट इन दिस रिएक्शन ये SO2 कौन से स्टेट में होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस सब में. ठीक है, चलिए बताइए. सो इसका आंसर होगा सी नंबर, मतलब गैशियस फॉर्म में होगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15. अब चलिए देखते हैं 15 का क्या दिया है. यहाँ पे फिर एक तो कंसिडर, यहाँ पे एक रिएक्शन दे दिया है P+O2, तो क्या देता है, गिव्स आपको देता है P4O10. चलिए यहाँ पे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपको बताना है बैलेंस करने के लिए कितना चाहिए यहाँ पे मोल्स, तो जल्दी बताइए. देखिए 1, 2, 1, 3, 5, 7 है ऑप्शंस में, सो जल्दी बताइए. यहाँ पे मैं आपको और 5 सेकंड का टाइम दे रही हूँ. सो ये इसमें का आंसर है ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, जो कि है 5, मतलब 5 अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आ गए या तो मोल्स आ गए तो वो बैलेंस हो जाएगा. देखिए कैसे, यहाँ पे 5 लिख दीजिए ऑक्सीजन में, 10 हो गया, यहाँ पे भी 10 हो गया, तो बैलेंस है. ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट, जो कि है 16th नंबर क्वेश्चन. यहाँ पे मैंने 20 क्वेश्चंस लाए हैं इस वाले स्लाइड में, तो इस वीडियो में आपको 20 सॉल्व करने हैं, तो यहाँ पे 16 नंबर है ये क्वेश्चन. तो चलिए बताइए, यहाँ पे ऑक्सीजन को आपको फिर बैलेंस करना है, तो कितना ऑक्सीजन का आपको मोल्स चाहिए बैलेंस करने के लिए, तो जल्दी बताइए. तो इधर आंसर होगा 1. ठीक, 1 अगर आप करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा. नेक्स्ट आप देखते हैं 17 नंबर, यहाँ पे आपको कितने मोल्स चाहिए AI के, तो मैं आपको इसमें फिर 5 सेकंड दूंगी, तो चलिए मैं बता देती हूँ 4 मोल्स चाहिए. ठीक है, ताकि आप इसे बैलेंस कर पाए. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा 18. Which one of the given process involve chemical reaction? इसमें से कौन सा chemical reaction के process को fulfill कर रहा है. ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से, मैं इसके लिए भी आपको 5 सेकेंड दूंगी. तो पहला है storing of oxygen gas under pressure in a gas cylinder, keeping petrol in a china dish in the open,
liquefaction of air, heating copper wire in the presence of a high, in the presence of air at high temperature. So, इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइए. तो सिंपल है, तो सबको आना चाहिए. ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होगा नंबर डी. ठीक है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन मतलब क्या होता है, एक सब्सटेंस से एक सब्सटेंस मतलब जो है वो दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है, वो भी नए, मतलब कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है. ठीक है, और उसमें कुछ चेंज होना चाहिए. अब ये ऑक्सीजन को प्रेशर के अंदर रखें तो उससे कुछ नया फॉर्म तो नहीं होगा, ऑक्सीजन ही रहेगा, बस वो कम हो जाएगा. ठीक है, ऐसा मतलब प्रेशराइज हो जाएगा. फिर जो चाइना डिश में रखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा. ठीक है, ये सब. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट आपका ये लास्ट है, बस लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है. तो यहाँ पे दिया है इन विच ऑफ द गिवन केमिकल रिएक्शन, सॉरी इक्वेशन. तो आपको इसमें बताना है दैट ये जो केमिकल जो रिएक्शंस हैं इसमें से कौन सा सही है, मतलब ये टेम्परेचर के अनुसार से या जो इसके स्टेट्स हैं वो कौन से सही है. मतलब गैस है तो ये क्या, वाटर गैस होता है, ऑक्सीजन लिक्विड होता है, H2O लिक्विड होता है, ये सब आपको बताना है. ठीक है, तो ये भी बहुत ईजी है, बच्चों वाला एकदम क्वेश्चन है, जल्दी बताइए. तो देखिए नंबर वन में क्या दिया है कि ये हाइड्रोजन लिक्विड में है और ये भी लिक्विड में है और ये गैस में है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, पानी कभी गैस तो हो ही नहीं सकता है, तो यहीं से आपको पता चल गया. नेक्स्ट में आपको क्या दिया है कि ये भी गैस में, ये भी नहीं होगा, पानी गैस में ये नहीं होगा. यहाँ पे आपको लिक्विड दिख रहा है राइट, पानी लिक्विड, तो पानी तो लिक्विड होता है. अब देख लेते हैं ये सबको. तो देखिए हाइड्रोजन भी गैस होता है, यहाँ पे जी दिया है, ऑक्सीजन भी क्या होता है गैस होता है, तो यहाँ पे जी दिया, मतलब ये आपका सही ऑप्शन है नंबर सी. चलिए नेक्स्ट देखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए डी में भी जी दिया है, मतलब गैस तो नहीं होता है पानी गैस. ठीक है, पानी लिक्विड होता है. फिर यहाँ पे देखिए क्या दिया है, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड. टू यहाँ पे बताया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा. चलिए बताइए कौन सा होता है, डिस्प्लेसमेंट कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स. इन सब का मैंने अच्छे से वीडियो में बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि इन सबको क्या कहा जाता है, ये मतलब इसका मतलब क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो इसका मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, दैट यहाँ पे टू दिया है और डबल यहाँ पे दिया है. ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, एक कंपाउंड अगर एक रिएक्टिव कंपाउंड दूसरे रिएक्टिव मतलब लो रिएक्टिव वाले कंपाउंड को डिस्प्लेस कर दे, और अगर दो ऐसे कर दें, दो रिएक्टिव कंपाउंड दो लेस रिएक्टिव कंपाउंड को या एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देंगे तो उसे हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट. डबल डिस्प्लेसमेंट कम्बिनेशन में क्या होता है, कम्बिनेशन जैसे कि Mg+O2 कंबाइंड होकर MgO बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये कम्बिनेशन रिएक्शन हुआ. ठीक है, चलिए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज के लिए इतना ही.